हाय फ्रेंड्स, आज के लेट्स मेक इंग्लिश इजी एपिसोड में हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू से आई एम सॉरी। सो इस सीरीज में, लेट्स मेक इंग्लिश इजी सीरीज में, हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दी टॉपिक्स। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो आप कमेंट्स भी दे सकते हो, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है तो आप वो कमेंट्स भी दे सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू से आई एम सॉरी। सो जैसे इन जनरली हम लोग आई एम सॉरी बोलते हैं, बट देर आर अदर वेज हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, तो हम लोग एक्सक्यूज मी भी यूज करते हैं। अगर किसी से हमें साइड चाहिए या कुछ चाहिए तो हम जनरली एक्सक्यूज मी बोलते हैं। नेक्स्ट है इट्स ऑल माई फॉल्ट। अगर अपनी गलती की वजह से कुछ किसी का लॉस हुआ है तो वी कैन से आई एम सॉरी या इट्स ऑल माई फॉल्ट। नेक्स्ट इज आई सिंसियरली अपोलोजाइज। सो अपोलोजाइज इज बेसिकली हम जैसे बोलते हैं ना, मुझे माफी चाहता हूँ टाइप, तो हम बोल सकते हैं आई सिंसियरली अपोलोजाइज। नेक्स्ट है आई ओ यू एन अपोलोजी। सेम है, सिर्फ मीनिंग इज सेम, बट अलग अलग वेज से हम बात कर सकते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज बेटर लगे। एवर सो सॉरी, मतलब हमें ऐसे जताना है कि हाँ मुझसे बहुत मिस्टेक हुई है एंड आई एम रियली अपोलोजाइजिंग। सो उसका एक वे है एवर सो सॉरी। आई हैड दैट रॉन्ग, मुझसे वो गलती हो गई। पार्डन मी, एंड दिस वी रेगुलरली यूज आई एम सो सॉरी। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आई एम सॉरी एक सेंटेंस है, ये कितने अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं ये हमने देखा। तो एक बार रिकैप करते हैं, एक्सक्यूज मी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, आई ओ यू एन अपोलोजी, एवर सो सॉरी, आई हैड दैट रॉन्ग, पार्डन मी, आई एम सो सॉरी। सो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इफ यू लाइक माई वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी।